रुड़की की रामपुर चुंगी स्थित एक अल्मोनियम की वर्कशॉप से एक अज्ञात चोर ने मोबाइल फोन पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोर द्वारा की गई है चोरी वर्कशॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात करने की एक्टिंग करता है और मौका पाते ही चार्जिंग पर लगा रहा फ़ोन उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद पीड़ित वर्कशॉप स्वामी ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रुड़की के रामपुर चुंगी के पास क्लासिक एंटरप्राइजेज नाम से अल्मोनियम की वर्कशॉप है, जहां शनिवार की दोपहर दो युवक को सामान खरीदने के लिए आए थे। एक युवक ने वर्कशॉप स्वामी को सामान निकालने में व्यस्त कर दिया, जबकि दूसरा युवक फ़ोन पर बात करता हुआ अंदर पहुँच गया। काफ़ी देर तक युवक फ़ोन पर बात करता रहा और मौका पाते ही चार्जिंग पर लगा रहा फ़ोन उठाकर अपने जेब में डाल लिया। इसके बाद युवक और उसका दूसरा साथी बहाना बनाकर वहाँ से चलते बने। अब वर्कशॉप स्वामी को फ़ोन चोरी होने का शक हुआ तो उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय पुलिस को तहरीर और सीसीटीवी फुटेज देकर कार्रवाई की मांग की है। पर वर्कशॉप स्वामी अब्दुल कादिर ने बताया कि दोपहर के समय दो युवक कुछ सामान खरीदने आए थे, उन्हीं में से एक युवक ने फोन चोरी किया है जो सीसीटीवी कैमरे में चोरी करता दिखा। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मेरी एल्युमिनियम की वर्कशॉप है रामपुर चुंगी पे क्लासिक इंटरप्राइज के नाम से। तो आज तकरीबन 2:15 बजे दो लड़के आए थे, तो वह सामान लेने के लिए आए थे। तो जैसे वे आए सामान निकलवा लिया उन्होंने, तो एक हमारा फ़ोन रखा था यहाँ इधर रैक में, तो वो फ़ोन पे बात करता करता लारा लगता लगता फ़ोन उठा के और यहाँ से निकला। और एक लड़का और उसके साथ दो लड़के थे मैं, तो बाइक उठाई और दूर जाके जो हमारे कैमरे में भी आ रहे हैं वो, तो दूर जाके अपना दोनों फरार हो गए। हाँ, अभी पुलिस को देने के लिए जा रहे हैं तहरीर। नहीं, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा।